वृंदावन और मथुरा हमारे श्री कृष्ण की वह जन्मभूमि जहां बाल गोपाल ने कई प्रकार के चमत्कार किए और वो जगह जहां की गलियों में आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी के गुणगान गाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और अनुज बकेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृंदावन और मथुरा के कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जो आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर एक, वृंदावन का नाम। ये जो वन है आप लोग देख रहे हैं, इस वन का सबसे पहला नाम है वृंदावन। तो वृंदा तुलसी को बोलते हैं वन जंगल को, तो नाम वृंदावन। आज से 6,500 वर्ष पहले वृंदावन ऐसा 10 किलोमीटर का बन हुआ। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 6,500 साल पहले वृंदावन यानी कि तुलसी का वन यहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि अब सिर्फ वृंदावन के निधि वन में देखा जा सकता है। नंबर दो, भाई बहन का स्नान। नहीं, कार्तिक में बहन भैया नहीं नहाते हैं, भैया दो स्नान बोलते हैं दीपावली में, इधर ही स्नान होता है। नहीं, जमुना मैया ने भाई थे वरदान मांगा है, वो कार्तिक की भैया दो के दिन बहन भैया हाथ पकड़ के विश्राम घाट में स्नान करेगा, वो तेरे लोक में नहीं जाएगा। तो जमराज घबरा के बोला, बहन मेरे लोक तो खाली चला जाएगा, पापी भी आएगा, जब फंदाते हो रहे दिन का ऐसा मेला होता है। भैया दो आती दीपावली के बाद इधर बहन भैया आके इधर स्नान करते हैं और बहन भैया को तला लगाती है। मथुरा में एक विश्राम घाट है जो कि एक बहुत ही पूजनीय स्थान माना जाता है, जहाँ पे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। विश्राम घाट की ये मान्यता है कि भैया दूज के समय अगर भाई और बहन यहाँ आके स्नान करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी वजह से इस घाट पे भैया दूज के दिन बहुत भीड़ होती है। नंबर तीन, पंचमुखी शिवलिंग। पंचमुखी का दर्शन शंकर परमार, इनकी क्या महत्व है? शंकर जी की पूजा करते हैं सूर्य आदमी, ठाकुर जी को जल चढ़ा दिए, अपना जल ले दिए, ठाकुर जी को जल चढ़ा दिए, सब जगह चार मुखी मिलेगी ना पांच मुखी। आपने अवश्य ही अपनी जिंदगी में शिवलिंग के दर्शन कभी न कभी जरूर किए होंगे, लेकिन मथुरा के विश्राम घाट में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित हैं, जिनके शिवलिंग पे एक नहीं बल्कि पांच मुख वाले शिव जी विराजमान हैं। नंबर चार, यमुना माता। कृष्ण भगवान यमुना जी दोनों का भी दर्शन है, यमुना जी कृष्ण भगवान विवाह स्थल है, यमुना जी कृष्ण भगवान चौथी पठरानी है, कृष्ण जी की चौथी पठरानी है यमुना जी। भगवान हमारे द्वारा ब्रज में लौट के आए हैं तो यहाँ यमुना जी से तपस्या कर रही है, तो यहाँ तप करती हुई यमुना जी मिली, तो यमुना जी से उनका मिलन मंदिर है, इसका नाम मिलन मंदिर। मिलन मंदिर। यमुना जी जो कि मथुरा और वृंदावन से होते हुए गुजरती हैं और जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं, वह हमारे श्री कृष्ण की चौथी पठरानी थी। जब कृष्ण जी ब्रिज में लौट के आए तब उनका यहाँ यमुना जी से मिलन हुआ और इसी वजह से मथुरा में उस जगह पे एक मंदिर की स्थापना की गई जिसका नाम है मिलन मंदिर। नंबर पाँच, बंसी चोर। बंसी चोरी का दर्शन वृंदावन में भगवान कृष्ण हुए माखन चोर, भगवान ने गोपियों का माखन लूटा अपने लिए नहीं, अपने ब्रजवासी ग्वालियर के, भगवान के यहाँ माखन की कमी नहीं थी, 9 लाख गाय थी, गोपियों का माखन खाते थे। किस भाव से? उनका दो भाव था, पहला तो ग्वालरों का ब्रजवासियों का पेट भरना था, माखन खिलाना था, दूसरा प्रेम का माखन गोपियों का लूट के खाना था। भगवान कृष्ण ने माखनों की चोरी की, राधा जी नाराज हुई, कृष्ण हमारी गोपी को सताते हैं तो हम भी कृष्ण को सताएंगे। राधा जी ने ललिता विशाखा से बोल के भगवान कृष्ण की बंसी मुकुट पायल को चोरी कराया, वही ललिता विशाखा ने बंसी मुकुट लाकर दिया, राधा जी ने वन के अंदर कृष्ण रूप लेके यहाँ बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिए। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर कहने लगे, चोर चोर बंसी चोर, वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी चोर चला। जैसे हम सबको पता है कि कृष्ण जी माखन चुरा के खाते थे, तो एक दिन राधा जी को कृष्ण जी पे गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली और इसी वजह से वृंदावन के निधिवन में एक बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है, जहां पर आपको राधा जी कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते हुए दिखेंगी और उसी वजह से उस मंदिर का नाम पड़ा है बंसी चोर राधा रानी। नंबर छह, दुर्भाषा ऋषि। सभी ऐसे देवता हैं किसी को कृपा नहीं, केवल कृष्ण भगवान ऐसे कृपा की। और अब जानते हैं दुर्वासा ऋषि जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे, केवल यमुना जी की सखियाँ थी जिन्होंने कि एक दुर्वासा ऋषि जी का 81 व्रत किए, व्रत तोड़ा है 56 लोग किया, वरना दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी और डूबा है, डूब का आहार करने वाले, तो बात बात पर क्रोधित होकर श्राप दे दी, श्राप देते हो। दुर्भाषा ऋषि जो कि शंकर जी के अवतार थे, ऐसा माना जाता है कि वह अपने अधिक क्रोध के कारण जाने जाते थे। दुर्भाषा ऋषि जी सतयुग, द्वापर युग
और त्रेता युग में एक प्रसिद्ध ऋषि माने जाते थे। दुर्भाषा ऋषि जी ने कभी किसी देवता पे कृपा नहीं करी, सिर्फ श्री कृष्ण जी ही ऐसे देवता हुए जिन पे दुर्भाषा ऋषि जी ने कृपा करी थी। दुर्भाषा ऋषि जी का एक आश्रम और मंदिर मथुरा में भी स्थित है, जो कि आप विश्राम घाट से नाव में बैठ के यमुना नदी के दूसरी तरफ पहुँच कर दर्शन कर सकते हैं। नंबर 7, रास लीला। ये भगवान का नित्य स्थान रास मंडल है। इस जगह भगवान राधा कृष्ण कन्हैया आके बीच में रास रचाते हैं। ये वृक्ष गोपी कृष्ण मंदिर। ऐसे ही भगवान का महाराज द्वापर में 16108 गोपियों के साथ में हुआ था। उस महाराज को देवी देवताओं ने देखा था। वृंदावन के निधिवन को हम सब जानते हैं, और निधिवन वो जगह है जहाँ पर तुलसी माता का वन है। और निधिवन की यह बहुत बड़ी मान्यता है कि आज भी कृष्ण जी हर रात यहाँ आते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। माना जाता है कि निधिवन में जितने भी तुलसी के पेड़ हैं, वह दिन में तो पेड़ होते हैं लेकिन रात को वह गोपियों में बदल जाते हैं। निधिवन के पंडित हर रात निधिवन का श्रृंगार महल सजा के रखते हैं। हर सुबह उन्हें वो महल इस्तेमाल हुआ हुआ मिलता है। और निधिवन का यह रहस्य पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 8, 84 कोस की यात्रा। 84 कोस की यात्रा इधर चालू होती है। ये परिक्रमा कभी आते हैं। 84 कोस की यात्रा चालू होती है। अच्छा, 84 कोस वाली जो है ना, उसकी चालू होती है। वो यहीं से शुरू होती है। हाँ, भादो महीने में। भादो महीने में होती है। तो वो जो गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा 84 कोस लंगे पर लगाना पड़ता है। उसमें खाना पीना भी अपना खुद लेके जाते हैं। 40 दिन की यात्रा होती है। 40 दिन की होती है। वो यहीं से शुरू होती है, विश्राम घाट से। भादो महीना में 11 के दिन। 11 के दिन भादो महीने में। ब्रिज की 84 कोस की यात्रा के बारे में हम सब जानते हैं। मथुरा में हर साल एक 84 कोस की यात्रा आयोजित की जाती है और इस यात्रा की शुरुआत मथुरा के विश्राम घाट से होती है। लोग विश्राम घाट में आके सबसे पहले यमुना जी की पूजा करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, फिर मधुवन और तालवन होते हुए जाते हैं। यह यात्रा लगभग 84 कोस लंबी होती है। नंबर 9, कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि, जिसे आज मंदिर बना दिया गया है, वह पहले कंस का कारागार था, जहां पर कंस ने अपनी बहन जानकी और जीजा वासुदेव को कैदी बना रखा था और उसी कारागार में जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और इसी वजह से कृष्ण जन्मभूमि देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है। इस मंदिर में आपको वह कारागार देखने को मिलेगा जहां पे कंस ने अपनी बहन जानकी के 6 संतानों का वध किया था, और वो जगह जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नंबर 10, गोपेश्वर महादेव। भगवान शंकर कैलाश को छोड़ के वृंदावन भूमि में आए तो यहाँ की गोपियों ने देख के भगवान शंकर से मना किया कि आपका कोई महत्व नहीं, आप तो संत पुरुष हो। पुरुष केवल एक कन्हैया है, बाकी का दूसरा कोई पुरुष नहीं आता है। आपको दर्शन प्राप्त नहीं, यहाँ गोपियों को दर्शन प्राप्त है। शंकर जी निराश हुए, बलराम जी से कामना की कि आप तो यहाँ के राजा, मेरे को कृष्ण का दर्शन प्राप्त कराओ। बलराम जी ने यमुना माता से बोल के भगवान शंकर को साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। लेडीज रूप में जब भगवान शंकर आए, गोपियों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देखकर बोले कि आओ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम लेने से राधा जी नाराज हो गई। भगवान शंकर को कृष्ण जी ने निमंत्रित कराया। रास करने के बाद वृंदावन वास दिया। वृंदावन भगवान शंकर गोपी रूप में पूजे गए, नाम गोपेश्वर। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण निधिवन में हर रात रास लीला रचाने आते थे, तब एक दिन शिव जी गोपियों का रूप लेकर निधिवन आ गए कृष्ण जी के दर्शन करने। और उस दिन कृष्ण जी ने शिव जी को देखते ही पहचान लिया और उनका नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव, और तभी से शिव जी का नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। और गोपेश्वर महादेव का एक मंदिर वृंदावन में भी स्थापित है, जिसके दर्शन आप वृंदावन में कर सकते हैं। नंबर 11, केसी घाट। हिंदू पुराणों के अनुसार केसी घाट की यह कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि केसी एक राक्षस का नाम था, जिसका रूप एक घोड़े की तरह था, और कंस ने केसी राक्षस को भेजा था कृष्ण जी का वध करने, और इसी घाट के पास कृष्ण जी ने इस राक्षस का वध किया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया केसी घाट। नंबर 12, बांके बिहारी की मूर्ति। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, श्री बांके बिहारी मंदिर, जिसकी स्थापना तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी ने की थी। बांके बिहारी जी की मूल रूप की पूजा की जाती है निधिवन में, और बांके बिहारी मंदिर में आपको श्री कृष्ण की बाल रूप में दर्शन होंगे। और जैसे एक बच्चे की देखरेख की जाती है, वैसे ही बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी की देखरेख की जाती है। जैसे एक बच्चा सुबह देर तक सोता है, वैसे ही ठाकुर जी भी सुबह देर तक सोते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बाल रूप की सेवा की जाती है, इसलिए आपको पूरे मंदिर में कोई घंटी या शोर वाली चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई भी बच्चा तेज आवाज से डर सकता है, इसलिए हमारे श्री कृष्ण के बाल रूप की आरती के समय भी घंटियां नहीं बजती। बांके का मतलब होता है टेढ़ा, और बिहारी का मतलब होता है आनंद लेने वाला, इसलिए यहां पर आपको बांके बिहारी जी की मूर्ति गर्दन, कमर और पैर पे से मुड़ी हुई मिलेगी। तो ये थी हमारी वृंदावन की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन
बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसके बाद दबाएं घंटे का निशान, जिसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है हमारी लिस्ट में और भी कोई तथ्य होना चाहिए तो हमारे कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और पार्टिसिपेट करें हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट में, जिसके रिजल्ट हम हर महीने के पहले सैटरडे के लाइव सेशन में देते हैं। तो हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करें और अटेंड करें हमारा लाइव सेशन, जो कि होता है हर महीने के पहले शनिवार को। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल। नमस्ते।